के बुलढाणा में हुए बस हादसे की। महाराष्ट्र के बुलढाणा में कल देर रात एक दर्दनाक बस हादसा हो गया। नागपुर से पुणे जा रही बस खंभे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। बस में 34 लोग सवार थे, जिसमें 26 की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोगों ने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक टायर फटने के बाद हादसा हुआ और बस में आग लग गई। बाद में बस के डीजल टैंक ने आग पकड़ ली, जिससे आग फैल गई। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 3 बच्चों की भी मौत हुई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए रिश्तेदारों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाए, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे। लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए, ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहां पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। जख्मियों का उपचार जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। एक बहुत ही भयंकर इस प्रकार की घटना है। इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं, इसके कारणों की जांच भी कर रहे हैं। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं शिवानी। शिवानी बताइए, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? समृद्धि महामार्ग में एक भीषण हादसा हुआ है, जहां पर एक बस के अंदर 25 लोग जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि समृद्धि महामार्ग में बुलढाणा जिले के पास ये घटना घटी है, जहां पर एक बस के अंदर 33 यात्री सवार थे। 33 यात्री सवार इस बस के अंदर, जो बस चालक है, ड्राइवर है, उसे नींद आ गई। नींद आने की वजह से उसकी जो कंट्रोल था बस पर से वो खत्म हो गया और जाकर बस सीधे डिवाइडर में टकराती है। डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलट जाती है। पलट जाने की वजह से जो डीजल का टैंक है उसमें विस्फोट होता है, आग लगती है और पूरी जो बस है वो आपकी चपेट में आ जाती है। 33 में से 7 से 8 यात्री ऐसे हैं जिन्होंने खिड़की तो तोड़ा और उसमें से बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन 25 लोग जगह पर ही वहां जलकर मर गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे और मदद की आश्वासन दिए हैं। तो वही मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है बुलढाणा पहुंचेंगे, मृतकों के परिवार से, परिजनों से मुलाकात करेंगे और जायजा लेंगे हालात का। आपको बता दें कि इसी पर विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, जहां पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि लगातार एक साल के भीतर हो रहे एक्सीडेंट, दुर्घटना में लोगों की मौत के लिए जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और बताना होगा कि इन एक्सीडेंट्स का वजह क्या है, सड़कों की हालत खराब क्यों है। देखना ये होगा कि इस मामले में लगातार लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को ढूंढा जा रहा है, मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश फिलहाल पुलिस द्वारा की जा रही है।